A very very good afternoon to everybody and welcome to the UGC Net and JRF page of Ada 24-7. I'm your favorite educator, Professor Ashwarya Puri. आज से हम अपनी जो इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस हैं उनको शुरू करने वाले हैं आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव विद मी आप अपने नोट्स साथ में तैयार रखिए आप स्क्रीन शॉट्स बनाते रहिए मोस्टली आप मुझे सुनते रहिए आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो देखिए यू जी सी नेट का पेपर जो है ऑलरेडी अभी बहुत जल्दी होने वाला है जून वाला टाइम जो आने वाला है लेकिन uh, बहुत से स्टूडेंट्स हैं बहुत से ऐसे एस्परेंट्स हैं जिनको अभी तक बेसिक्स नहीं पता इंग्लिश लिटरेचर के इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है पेपर टू यू जी नेट का उसका जो बेस है उसका जो बैकग्राउंड है वो इस टॉपिक से आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन है ऑफ द डिफरेंट लिटरेरी इराज थ्रू विच इंग्लिश हिस्ट्री हैज गॉन एंड हाउ इट हैज इंपैक्टेड द लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड हाउ इट हैज इम्पेक्टेड इंग्लिश लिटरेचर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेलो मानसी गुड आफ्टरनून वेलकम टू माई क्लास तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ अगर आपका इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री इसका टाइमलाइन इसका एक अगर फ्लो चार्ट आपके दिमाग में क्रिएट हो जाता है तो आपके लिए टेन टू ट्वेंटी परसेंट जो है इस सिलेबस की जो परेशानी है वो कम हो जाएगी तो बहुत ज़रूरी है आज की क्लास गुड आफ्टरनून तरन वेलकम टू माई क्लास सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अलॉट ऑफ अटेंशन एंड टू अंडरस्टैंड इसको पढ़ने के लिए एक इसमें एक एडवांटेज हमें देखिए ये मिलता है कि जो इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री है वो एक फ्लो में चलती है तो अगर आप इसको कहानी की तरह समझेंगे एक स्टोरी की तरह समझेंगे तो आपके लिए पढ़ना भी आसान हो जाएगा मेरे लिए आपको पढ़ाना भी जो है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा और पेपर के लिए जो है आप इफेक्टिवली इसको तैयार कर सकते हैं गुड आफ्टरनून एवरीबडी वेलकम टू माई क्लास सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर नाउ हाँ जी द फर्स्ट लिटरेरी ईरा दैट वी हैव टू कवर इन इंग्लिश लिटरेचर पेपर फॉर यू जी सी नेट इज दो सैक्सन ईरा अब मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश जो इंग्लिश कंट्री थी इट वॉज कंपेरेटिवली वेरी कोल्ड और उसके बिल्कुल नीचे जैसे फ्रांस वगैरह के एरिया से जो है कुछ जर्मैनिक ट्राइब्स जो है ट्रैवल करती करती इंग्लैंड के सदर्न बाउंड्री पे आके बस गई थी वो बेसिकली तीन ट्राइब्स थी देवर द एंगल्स देवर द सैक्सन्स और एक और ट्राइब थी वो थे देवर द जूट्स इन तीनों ट्राइब्स ने जो है मिलके वहाँ अपनी जो है एक सिविलाइजेशन क्रिएट की लेकिन ये जो लोग थे ये अभी सिविलाइज थे नहीं ये बार बैरिक्स थे बार बैरिक्स यानी ये जंगली थे ये एक ये आदि मानव की तरह जो है अपना जीवन बता बिता रहे थे इनके पास कोई कल्चर नहीं था कोई इवॉल्व फॉर्म ऑफ लैंग्वेज नहीं था कोई इवॉल्व फॉर्म ऑफ लिटरेचर नहीं था वर नॉट सिविलाइज दे डिड नॉट हैव अ प्रॉपर रिलीजन ये क्रिश्चियनिटी uh, को नहीं फॉलो कर रहे थे ये उस टाइम पे अपने खुद के लोकल गॉड्स को फॉलो कर रहे थे जिनको कि हम कहते हैं पेगन गॉड्स उसके बाद इनके ऊपर जो है रोमन अटैक होता है <clears throat> अलेक्जेंडर का uh, और उस ड्यूरिंग उस भी जो है इनके पास सिविलाइजेशन आ नहीं पाती है इन अ वे तो आ, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे आयरिश मंग्स थे जिन्होंने कैथोलिक मंग्स जिन्होंने थ्रू द इंग्लिश कंट्री उन्होंने ट्रैवल करके कुछ लेवल तक वहाँ पे जो है इंग्लिश वर्ड को क्रिश्चियन वर्ड को स्प्रेड करने की कोशिश की तो आफ्टर अ कपल ऑफ़ ईयर्स हम देखते हैं कि एक तरीके से इनकी एक एनशियन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ज़रूर डिवेलप हो जाती है और वो जो एनशियट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है उससे जो हमें लिटरेचर मिल रहा है वो है एंग्लो सैक्सन लिटरेचर तो असेंशली इंग्लिश लैंग्वेज की जो एक एंशियन डायलैक्ट है, जो सबसे जो हम मतलब जो हमारे लिए सबसे आ, आ, डिटेक्टेबल एक डायलेक्ट जो इंग्लिश की हमारे पास है वो एंग्लो सैक्सन ही है आज के मॉडर्न ईरा के इंग्लिश रीडर्स के लिए उसको समझना डिफिकल्ट होगा लेकिन डेफिनेटली हमने उसको पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन भी कर रखी हैं तो देखिए याद रखिएगा ये एंग्लो सैक्सन ईरा जो है इस पीरियड में जो नेटिव्स हैं इंग्लैंड के वो वहाँ पर रह रहे थे और जो पोइट्री है वो मैन्यू में फाइंड की गई है तो उस टाइम पे कुछ मेजर मेन्यूस्क्रिप्ट मिले थे और उन मैन्यूस्क्रिप्ट से जो है ये पोइट्री हमने रिकवर की उसके एग्जाम्पल मैंने दो दिए हैं यहाँ पे द कॉटन बुक एंड द एक्स्ट्रा बुक ठीक है ऐसे और भी बहुत सारी इसके मैन्यूस्क्रिप्ट हैं इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है पेपर में कि ये जो एंग्लो सैक्सन पोएम है ये कौन से वाले मैन्यूस्क्रिप्ट से निकाली गई है ये हम अपनी क्लासेस में सारा कवर करेंगे ओके तो एंग्लो सैक्सन ईरा की जितनी भी पोइट्री है वो सारी की सारी जो है मैन्यूस्क्रिप्ट के थ्रू जो है फाउंड की गई है अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं अपेरेंटली uh, हमारे पास इसके और भी बहुत सारे रिसोर्स थे बट अराउंड फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरी एक स्कॉलर की लाइब्रेरी में आग लग गई थी जहाँ इन मैन्यूस्क्रिप्ट को स्टोर किया गया था सो so, काफ़ी उसमें से मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो जल गए थे दे गॉट बर्न एंड वी कूडन सेव दैम तो उस वजह से जो है वो वेस्टेज हो गई थी वहाँ पर तो एक्चुअली जितने मैन्यूस्क्रिप्ट होने चाहिए थे आज हमारे पास उतने हैं नहीं इन टोटल अगर हम देखें तो एंग्लो सैक्सन इरा से जो पोइट्री है उसके वो अप्रोक्सीमेटली थर्टी थाउजेंड लाइन्स ही हमारे पास आज के टाइम में अवेलेबल हैं इन टोटल थर्टी थाउजेंड लाइन्स ही हैं जो आज हमारे पास अवेलेबल है उस टाइम में एक बहुत ही एस्पेक्ट एक, एक, एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइप की पोइट्री में वो है कि उस टाइम में एलिटरेटिव वर्ड्स यूज किए जाते थे एलिटरेशन क्या होता है द रेपिटेशन ऑफ कॉन्जोनेंट साउंड लाइन इज कॉल्ड एलिटरेशन तो उस टाइम में जो पोइट्री थी उसमें एलिटरेशन का यूज बहुत ज्यादा था क्यों मैं आपको बताती हूँ क्योंकि उस टाइम पे जो है लोकल जो आ, 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 बार होते थे बार्स कौन होते थे देवर रॉयल पोएट्स एंड रॉयल सिंगर्स तो वो कोर्ट से कोर्ट ट्रैवल करते थे और किंग्स या क्वींस को जो है अपने पोइट्री अपने गाना सुनाते थे फॉर एंटरटेनमेंट अब क्या होता था ना अगर उनको कोई कहानी सुनानी है न म्यूजिकल फॉर्म और उनका बोलने का तरीका इफेक्टिव नहीं है इम्पैक्टफुल नहीं है अट्रैक्टिव नहीं है तो लोग उनको सुनते नहीं थे लोग उनको एंटरटेन ही नहीं करते थे तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए उन्होंने अपने स्टाइल ऑफ़ स्पीकिंग को एलिटरेटिव बना दिया तो ये जो रेपिटेशन थी ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड जिसकी वजह से जो है उनकी जो डिक्शन थी वो ज़्यादा म्यूजिकल ज़्यादा स्वीट साउंडिंग हो गई जिस वजह से उनकी फेम वाइड स्प्रेड हुई तो इसीलिए इस टाइम में हम देखेंगे जो पोइट्री है उसमें एलिटरेटिव वर्ड्स हम देखते हैं अब दो ही तरीके के मेजर पोइट्रीज हमें इस ईरा में मिलती हैं जनरली हम देखें अगर तो हिरोइक या फिर रिलीजियस ओके okay? अब हिरोइक में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास इस ईरा से है है दैट इज ऑफ अ वेरी फेमस हिरोइक पोएम कॉल्ड बीओ वुल्फ तो बी वो इसकी प्रोनंसिएशन आप जैसे भी करना चाहें इसकी जो समरी है इसके ऊपर जो समरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो नेट पे आते हैं तो आपको ये सब मैं आई विल आई विल कवर इट विद यू आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना वट एवर आई विल टीच यू आप उसी को लर्न कर लेना आपका जो नेट का क्वेश्चन है वो वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगा सो दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट यू नो एपिक पोएम्स दैट वी हैव फ्रॉम द इंग्लिश लिटरेचर इसके भी हम वी वी अज्यूम कि यू you नो know, इसके भी हो सकता है कुछ और पार्ट्स रहे होंगे कुछ एक एक्सटेंसिव इसका वर्जन रहा होगा जो अभी बर्नट हो गया फिर भी आज की तारीख में ये काफ़ी कंप्लीट वर्जन में हमारे पास अवेलेबल है उसके अलावा उस ड्यूरिंग जो है रिलीजियस पोइट्री लिखी जा रही थी जैसे कि कैडमॉन्स हिम्स वेरी इंपॉर्टेंट कैडमॉन ने उस टाइम पे अपनी कुछ हिम्स लिखी थी जो कि गॉड को जो है गॉड की ग्रेस में गॉड की मर्सी को प्रेस करने के लिए थी तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्शन है एक एंग्लो सैक्सन पोइट्री का इस ईरा से उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बीड ने लिखी थी दी एक्लेसियाल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल द ग्रेट क्रॉनिकल एटसेट्रा तो एक्लेसियाल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में उन्होंने इंग्लिश लोगों की जो डिसेंट है उसको ट्रेस किया था उसके अलावा उन्होंने लिखा था द ग्रेट क्रॉनिकल जिसमें कि उन्होंने बाइबल के एवोल्यूशन के बारे में बाइबल की क्रिएशन के बारे में बाइबल के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है तो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट uh, जो है uh, और ये मैं आपको बता दूं इस ये जो हमारी आज की जो क्लास है क्योंकि हम इसमें पूरा लिटरेरी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं इसलिए अभी दिस इज़ ओनली अ स्निपेट व्यू इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड पोएट्स हैं जो हमें कवर करने होंगे फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपके साथ अपनी टोटल जो क्लासेज लूंगी ना टॉपिक वाइज

उनके जो किंग थे किंग विलियम उन्होंने उस विक्ट्री को जीता इसलिए उनको विलियम द कॉन्करर कहते हैं तो ये जो विक्ट्री थी ऑफ नॉर्मंडी ओवर इंग्लैंड इट लेड टू इंटर ब्रीडिंग बिटवीन द इंग्लिश पीपल द एंग्लिकन पीपल एंड द नॉर्मन पीपल द फ्रेंच पीपल क्योंकि फॉर द नेक्स्ट कमिंग 400 इयर्स इट विल बी द फ्रेंड्स रूलर्स हु रूल ओवर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड तो उस पीरियड में जो है बहुत सारे इंटरब्रीडिंग इंटरमिक्सिंग हुई बिटवीन द इंग्लिश पीपल एंड द फ्रेंच पीपल और जो है उनकी लैंग्वेज भी कंबाइन हुई उनके जीन्स भी कंबाइन हुए उनके कल्चर्स भी कंबाइन हुए तो उससे जो एक मिला जुला रिजल्ट हमें मिलता है वो है एंग्लो सैक्सन सॉरी एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर अब ब्रिटिश लोग देखिए अक्सर वो क्या कहते हैं कि इंडिया तो एक, एक बैकवर्ड कंट्री थी उनके पास तो कुछ भी नहीं था उनको हमने ही आके सब कुछ दिए अब कोई अगर आ, आ, उस कंट्री से पूछे उस इम्पीरियल कंट्री से पूछे कि उनको सिविलाइज करने वाला कौन था ठीक है अब से 600 साल पहले वो कंट्री जो खुद बारबेरिक लोगों से भरी हुई थी जिनके पास खुद की लैंग्वेज नहीं थी खुद का इवॉल्व फॉर्म ऑफ लिटरेचर नहीं था जो अपने छोटे छोटे पेगन गॉड्स को मानते थे उनको सिविलाइज करने वाला कौन था It was the French people. The French civilization was way ahead and it was way more advanced than the English society. Okay. तो उस ड्यूरिंग जो है एंग्लो जो ये जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था ऑफ इंग्लैंड वो इंग्लैंड के लिए ही बेनिफिशियल रहा इन अ वे क्यों क्योंकि इट वाज देन इंट्रोड्यूस्ड विद द कोर्टली कल्चर एंड मैनरिज्म ऑफ द फ्रेंच कोर्ट नाउ द फ्रेंच कोर्ट वाज वेरी वेरी एडवांस्ड इट वॉज वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड इट वॉज़ वेरी वेरी रिफाइंड इट वॉज़ फिल्ड विद फिननेस ओके बहुत ही एक्सट्राविगेंट फॉर्म ऑफ जो है ये एक सोसाइटी थी उनका कल्चर बहुत ही extravagant, बहुत ही flamboyant था। वो so, वो वो जो सारा flamboyance है, वो जो सारा सारा है, है, उन्होंने वो infuse किया ऑफ इंग्लैंड उस वजह से जितने भी मैनरिज्म थे या कोटली कल्चर्स थे वो सारे अब इंग्लैंड कंट्री में इंग्लिश कंट्री में इंट्रोड्यूस हो गए उसके साथ साथ वहां क्या इंट्रोड्यूस हुआ फ्यूडलिज्म यानी

फ्यूडलिज्म Feud और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ वो इंग्लैंड के लिए वो ये था कि उनकी जो लैंग्वेज जो अभी तक बहुत ही नॉन एवॉल्ड और अनडिवेलप्ड थी उसमें डेवलपमेंट हुआ हुआ उसमें प्रोग्रेस हुआ उसमें एक फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन आया किस तरीके का एवोल्यूशन आया थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड न्यू वर्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द इंग्लिश लैंग्वेज बाई द फ्रेंच पीपल तो ये जो एंग्लो सैक्सन थी ना ये बहुत ही अंडर डिवेलप्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज थी इसको डिवेलप करने वाला कौन थे द फ्रेंच पीपल द नॉर्मन पीपल तो एंग्लो सैक्सन प्लस नॉर्मन मिलके क्या बन जाती है एंग्लो नॉर्मन और उसमें जो है बहुत ही हाई लेवल के वर्ड्स को इन्फ्यूज़ किया गया बहुत ही उस लैंग्वेज को सोफिस्टिकेटेड बनाया गया उस लैंग्वेज को इन अ वे बहुत रिफाइन किया गया तो यहां से लैंग्वेज कहीं ना कहीं जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो थोड़ी सी रीडेबल हो जाती है थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल हो जाती है हम एज मॉडर्न इंग्लिश रीडर्स उसको समझ सकते हैं इस पीरियड में जो लिटरेचर है उस उसमें इन्फ्लुएंस किसका है फ्रेंच रोमांसिस का एंड रोमांस पोइट्री का रोमांस पोइट्री क्यों कहते हैं फ्रेंच पोइट्री को मैंने अपनी कल की टीचर्स अड्डा की क्लास में ये डिस्कस किया था इन द लिट्रेरी फॉर्म्स रोमान लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनका जो सोर्स है वो लैटिन है जैसे कि फ्रेंच फ्रेंच भी जो है वो लैटिन से डिवेलप्ड है इसलिए ये भी एक रोमांस लैंग्वेज है तो उस पीरियड में जो लैटिन पोइट्री या जो फ्रेंच पोइट्री थी वो असेंशली जो है कोटली कल्चर पे फ्यूडलिज्म uh, पे थीम्स ऑफ लव पे अनरिक्वेटेड लव पे इन थीम्स पे बेस्ड होती थी तो उस तरीके के जो पोइट्री के स्टाइल्स थे उन्होंने काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर को इसलिए जो है फ्रेंच रोमांसिस का बहुत इम्पैक्ट रहता है इस पीरियड में और एंग्लो सैक्सन हीरा में अगर एलिटरेटिव वर्ड्स थे तो यहाँ के स्टाइल ऑफ पोइट्री को लिखा जा रहा था यहाँ पर राइमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया पोयट्री के अंदर एक म्यूजिकल क्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये ये सब बातें आपको याद रखनी है कि जो हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड है उसमें हमारे पास एलिटरेटिव वर्स है और जो हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड है उसमें हमारी राइमिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है इसमें हम देखते हैं काफ़ी सारी क्रिश्चियन थीम्स भी आती है। है। हैं एलिगोरिकल पोइट्री है एलिगोरिकल यानी कि पोएम में सिम्पलिज्म हैं किस तरीके के सिम्बलिज्म हैं बेस्ड ऑन क्रिश्चियन थियोलॉजी गुड बैड इविल गुड एंजल बैड एंजल जीजस सेटन सो इस तरीके के एलिगोरिकल कैरेक्टर्स को जो है पोइट्री में इंट्रोड्यूस्ड किया गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिएशन ऑफ दिस पीरियड इज ब्रूट ब्रूट वॉज द लेजेंडरी हिस्ट्री हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द रूलर्स ऑफ ब्रिटेन स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रूटस ब्रूटस वॉज द सन ऑफ एनिस सो ब्रूटस से स्टार्ट करके इंग्लैंड के जितने भी मेजर उनकी डायनेस्टी के जितने उनके सन्स थे एयर्स थे जिन्होंने इंग्लैंड को रूल किया उनके ऊपर एक बहुत अच्छा क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल अकाउंट है ये एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी प्रोडक्शन फ्रॉम द एंग्लो नॉमन ईरा सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ओके ये हो जाता है हमारा एंग्लो नॉमन इरा इसके बाद फिर आता है हमारा एज ऑफ चौसर एज ऑफ चौसर आप नाम से ही समझ जाएंगे कि इसमें जो है जो डोमिनेंट स्टाइल ऑफ जो पोइट्री है वो कहाँ से लिया जा रहा है फ्रॉम जॉफरी चौसर जॉफरी चौसर का नाम सुनते ही आपको सबसे पहले क्या याद आता है द कैंटरबरी टेल्स कैंटरबरी टेल्स से बहुत डिटेल क्वेश्चन नेट में आते हैं कहाँ से पढ़ेंगे आप मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास में मैं आपको सारी इनके जो जितने भी इसके आ, जो पिलग्रिम्स हैं उनके अकाउंट्स उनकी, उनकी फ़िजिकल डिस्क्रिप्शन उनकी स्टोरीज ये सब मैं आपको बताऊँगी आपके लिए ईजी बना दूंगी इस टॉपिक को मैं काफ़ी ज़्यादा ताकि जो है आप पेपर में विदाउट एनी प्रॉब्लम सारे पॉइंट्स को याद भी रख सकें और अपने आंसर्स को एक्यूरेट uh, भी कर सकें ओके okay? तो कैंटम्बरी टेल्स जो है वो एक बहुत ही अलग फॉर्म ऑफ पोइट्री थी उस पीरियड में एंग्लो नॉमनिरा ही है ऑलमोस्ट ये लेकिन उस हिसाब से भी बहुत अलग बहुत ही एक्सपेरिमेंटल स्टाइल ऑफ पोइट्री थी क्यों कैंटम्बरी टेल्स जो है वो एक स्टेट से है इस्टेट यानी अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले लोगों को सटायराइज किया गया है उनके ऊपर मजाक किया गया है उनको उनके ऊपर सार्केस्टिक कॉमेंट्स हैं उनकी स्टाइल ऑफ़ लिविंग उनके लाइफ स्टाइल्स पर साकेस्टिक कॉमेंट है क्यों देखिए उस उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट दो इवेंट्स हुए थे जिनको समझना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू तो अंडरस्टैंड कि कैंटबरी टेल्स क्यों लिखा गया था तो देखिए वन इज़ द पेजेंस रिवोल्ट एंड द अदर इज द ब्लैक डेथ ये दोनों की दोनों है ये दोनों ही जो है चौसर के पीरियड के अराउंड ही हुई हैं उनके कंटेम्प्रेरी पीरियड में ही है तो इस पीरियड में इतनी मास लेवल डेथ हो गई थी आ, इन द होल ऑफ यूरोप कि अब आ, जो कंट्रीज हैं जब वो उन्होंने रिकवर किया वापस तो उनको अपनी कंट्री कंट्री को तो रन करना ही था कोर्ट को रन करना ही था अब लोग कम पड़ गए थे तो उसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया उन्होंने जो है आ, आ, जो अपनी बेसिक एलिजिबिलिटी है कोई सर्टन जॉब्स के लिए कोई प्रोफाइल के लिए उसको कम कर दिया इसका मतलब अब काफ़ी लेस क्वालिफाइड इंसान भी उस पोजिशन पर आ सकता था एट द सेम टाइम जितने भी लैंड लॉर्ड्स थे उनके पास लेबरर्स की कमी पड़ गई तो लेबरर्स ने भी अपने पैसे बढ़ा दिए क्योंकि उनको पता था कि अब वो डिमांड में है इस वजह से जो है आप देख

जो है अब एक लोअर क्लास का आदमी उसको नहीं फर्क पड़ता था कि ठेकेदार कौन है उसको फर्क पड़ना छूट गया था क्योंकि वो लेबरर डिमांड में था उसको नहीं फ़र्क पड़ता था कि किंग कौन है क्वीन कौन है एज लॉन्ग एज उसको एक जॉब मिल गई थी उसको खाने को जो है खाना मिल गया था पहनने को कपड़ा मिल गया था उसको एक सिक्योरिटी मिल गई थी तो उसके बाद जो है उसको किसी बात की परवाह नहीं थी इस वजह से जो है राइटर को एक ओपन पर्सपेक्टिव मिलता है हायर क्लास को भी सटायराइज़ करने का उनको भी क्रिटिसाइज़ करने का इसीलिए ये जो कैंटेबरी टेल्स है ये हम इसको क्लासिफाई करते हैं एज एन एस्टेट सटायर क्योंकि इसमें ना तो सिर्फ जो आप 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 देखेंगे इसमें क्लर्जी मैन जो हैं जो चर्च में काम करने वाले क्लैरिकल्स हैं उनको भी सटाराइज किया गया है इसमें जो किंग जो कोटली कैरेक्टर्स हैं उनको भी सटाराइज किया गया है तो कुछ एक दो कैरेक्टर्स ही हैं जिनके एक्सेप्शन है जिनको सेटाराइज़ नहीं किया गया उनके अलावा बाकी हर स्टेट के हर स्टेटस के हर सोशल स्टैंडर्ड के कैरेक्टर्स को सटाराइज और क्रिटिसाइज किया गया है तो एज ऑफ चौसर में जो ब्लैक डेथ और पेजेंस रिवोल्ट है इसका ये इफेक्ट है इस पीरियड के जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश राइटर्स हमारे पास हैं वो है जोफ्री चौसर विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गावर ओके एंड प्लीज रिमेंबर दैट जॉन गावर एंड जोफ्री चौसर वर वेरी गुड फ्रेंड्स इनिशियली इस पीरियड में हम यूज ऑफ आई पेंटामीटर या हीरोइक कपलेट देखते हैं चौसर ने अपने इस से अटायर द कैंटेबरी टेल्स को हीरोइक कपलेट या आइम्बिक पेंटामीटर की राइमिंग लाइंस में लिखा है तो याद रखना कि एंग्लो सैक्सन में एलिगोरी सॉरी एलिटरेटिव वर्स है एंग्लो नॉर्मन में राइमिंग लाइंस हैं एंड एज ऑफ चौसर में राइमिंग आएम्बिक पेंटामीटर की लाइन्स हैं ये सब आपको याद रखना है ओके पोइट्री इस पीरियड में भी लार्जली एलिगोरिकल है और ज़्यादातर इन्फ्लुंस कहाँ है फ्रेंच और लैटिन इंस्पिरेशन हैं क्योंकि अब तक जो है लोगों के अंदर एडवांसमेंट आ गई थी इस पीरियड तक फ्रेंच लोगों ने काफ़ी सिविलाइज कर दिया था इंग्लिश लोगों को इस वजह से इनके पास जो है फॉर्मल uh, एजुकेशन थी इस पीरियड तक ऑलरेडी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश थी तो बहुत से यंग मैन थे नॉट वमेन मैन थे जो इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने जाते थे और वहाँ ग्रीक और लैटिन कम्पल्सरी क्लासिकल सब्जेक्ट्स थे जो इनको कवर करने होते थे ओके सो इसलिए जब उन लोगों ने फ्रेंच लिटरेचर को पढ़ा लैटिन को पढ़ा ग्रीक को पढ़ा उन्होंने उन एलिमेंट्स को इंग्लिश पोइट्री या इंग्लिश राइटिंग्स में इनकॉर्प्रेट करने की कोशिश की इसलिए जो है इस पीरियड की जो पोइट्री uh, है

तो मैं आपको बता दूं कि अराउंड फोर्टीन जो है यहाँ तक जो है नॉर्मल लोगों ने नॉर्मल रूलर्स ने जो है इंग्लैंड पे रूल किया उसके बाद हम जब फिफ्टीन हंड्रेड तक आ जाते हैं यहाँ पर जो है इंग्लिश रूलर्स ने वापस अपनी थ्रोन को रीगेन कर लिया था विद द ट्यूडर डायनेस्टी लेकिन इसके बीच में कुछ फिफ्टी इयर्स का पीरियड है जो कि ट्रांजिशन का पीरियड है उसको वो जो ट्रांजिशन का पीरियड है फिफ्टी uh, इयर्स का गैप उसको हम कहते हैं एज ऑफ रिवाइवल अब एज ऑफ रिवाइवल में क्या हुआ था द इंग्लिश रूलर्स हैड री एस्टैब्लिश दम ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इस पीरियड में जो है क्योंकि अब एक जो इंग्लिश रूलर्स थे अब उनमें भी काफ़ी रिफाइनमेंट आ गई थी काफ़ी एडवांसमेंट आ गई थी वो कल्चरली काफ़ी ज़्यादा मोर सोफिस्टिकेटेड हो गए थे तो अपने कोर्ट में वो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट प्रेफर करते थे तो उसमें एक तरीके का एंटरटेनमेंट जो डेवलप हुआ वो था ड्रामा ड्रामा के लिए तब तक थिएटर्स नहीं बने थे तो उन्होंने खुले खुले मैदान दे रखे थे उन्होंने खुले खुले आंगन दे रखे थे जहाँ पर लोग जो है अपने प्ले परफॉर्म कर सकते थे ऐसे खुले एरियाज़ को जहाँ प्ले परफॉर्मेंसेज होती थी उसको हम कहते हैं प्ले okay, तो पीरियड में हम इस्टिशमेंट देखते हैं किसका प्ले है, फॉर्म से रिप्लेस होकर जो ड्रामा है अभी एलिजाबेथ पहुंचा नहीं है ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है तो उस ट्रांजिशन पीरियड में किस तरीके का ड्रामा देखा जाता है इंटरल्यूड्स इंटरल्यूड्स में जो है म्यूजिकल क्वालिटीज म्यूजिकल एलिमेंट्स होती है उस प्ले में ओके okay? एंड साथ के साथ ही सेक्युलर ड्रामा भी देखा गया मिडीवल ड्रामा इज होली आइदर रिलीजियस और क्रिश्चियन, सो द थीम्स आर आइदर बिब्लिकल और दे आर क्रिश्चियन। ऑन अदर हैंड एज ऑफ रिवाइवल में जो है हम पहले एग्जाम्पल्स द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्युलर ड्रामा देखते हैं सेक्यूलर मतलब नॉन रिलीजियस इसका मतलब आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप सिर्फ भगवान के बारे में लिखोगे भगवान की तारीफों में कुछ लिखोगे अब आप, आप आम आदमी के ऊपर भी कहानियां लिख सकते हो ये था सेक्यूलर ड्रामा और इसके जो तो सबसे फेमस एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास फ्रॉम द एज ऑफ री बाइबल जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नेट पे बाकायदा से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये डियर व्यूअर्स ध्यान से सुनिए सो दैट इज फुल जींस एंड लुकरी द फोर पीपी जो है किंग जो है ये 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 सारे नेम्स आपको 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 याद याद होने चाहिए। चाहिए। अगर ये आपको on your tips याद नहीं है, है। तो आपकी तैयारी बेकार मैं आपको अभी बता रही हूं। आपको ये सारी चीजें होनी ये नेट के ऊपर ऊपर इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपने अगर इस रेडीमेड इंफॉर्मेशन का भी फायदा नहीं उठाया फिर तो आप शायद सीरियस नहीं है नेट के लिए अगर आप सीरियस हैं देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कवर ऑल दीज थिंग्स ऑन योर ट्रिप्स uh, जी बिल्कुल आज मेरी फर्स्ट क्लास है लिटरेचर की आज फर्स्ट क्लास हम ले रहे हैं इस पेज पे तो डोंट वरी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप बिल्कुल राइट ऑन स्पॉट राइट ऑन टाइम है अगर आप लेट भी हैं तो देखिए ये वीडियो तो आपको हमारे पेज पे मिल ही जाएगी ये तो सेव्ड है वहाँ पे यूट्यूब पेज से वीडियोज़ नहीं हटेंगी तो यू कैन ऑलवेज अवेल दैम इन द फ्यूचर ऑल्सो ओके इस पीरियड में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर डिवेलप होता है वो है ट्रेवल तो क्योंकि इस पीरियड में जो है वॉर्स जो लड़े जा रहे थे एयरफोर्स तो था नहीं सो आइदर द आर्मीज और देर द नेवी विंग तो जो नेवी विंग्स हैं उस टाइम पे जनरली वो डच कंट्रीज़ के या फिर स्पेनिश कंट्री के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इंग्लैंड ने भी जो है अपनी सी एक्सप्लोरेशन अपनी सी मिलिट्री uh, पावर को इंक्रीज़ करने की कोशिश की तो उस वजह से काफ़ी से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ घूमने फिरने के लिए ट्रैवल करते थे दो दो दस दस साल वो घर से बाहर रह कर दूसरे कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करने जाते थे तो इस पीरियड में काफ़ी फ़र्स्ट एंड सेकेंड हैंड अकाउंट्स ऑफ रियल लाइफ ट्रैवल्स हम देख सकते हैं तो सेलर्स ने ख़ुद के ट्रैवल्स को रिकाउ अकाउंट किया है या फिर किसी और सेलर ने एक ऑथर के आगे अपने अकाउंट्स को रिकाउंट किया है ऐसे बहुत से ट्रैवलॉग्स हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं और क्योंकि इस पीरियड तक इंग्लैंड में रेनेसा भी आ गया था इसलिए राइज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन भी हो गई थी अब तक जो है लोगों ने नए नए और आइलैंड्स को डिस्कवर करना शुरू कर दिया था दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाना शुरू कर दिया था उन्होंने शिप्स पे बैठ के दस दस साल ट्रैवल किया साथ ही साथ जो है एस्ट्रोनोमी में भी एक फॉर्म में चेंज आता है क्योंकि अब जो है लोगों को इंटरेस्ट वो सिर्फ अपनी वर्ल्ड पे नहीं है वो एक्सट्रा टेरिटरी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल उनका इंटरेस्ट भी बन गया है तो इस तरीके के बिल्कुल मैंडविल रोड ट्रेवलॉग बिल्कुल सही मानसी तो इस तरीके से जो है एज ऑफ रिवाइवल को हमें देखना है इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एज आती है वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द एलिजाबेथन एज सो एलिजाबेथन जो एज है इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में इंग्लैंड में हर फॉर्म में डेवलपमेंट हो रही थी बी इट इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर बीट इन द फॉर्म ऑफ इकोनमी इट्स पोलिटिकल सिचुएशन इट्स आर्मी इट्स नेवी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन डिस्कवरीज इन्वेंशंस बीट इन टर्म्स ऑफ ड्रामा बीट इन टर्म्स ऑफ कल्चर हर फॉर्म में हर फॉर्म में इंग्लैंड जो है उस वक्त वर्ल्ड की एक सुपर पावर बन गया था क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में ही जो इंग्लैंड में जो है ये इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो अब से पहले लोग दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे थे सिर्फ क्योंकि वो घूमने जाते थे लेकिन अब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इन जर्नीस को, इन, से, इन सेलर्स को जो है क्या किया उनको ऑथोराइज करना शुरू किया कि आप जा जा के दूसरी कंट्रीज में देख कर आओ वहां हो क्या रहा है क्या हम उनको टेकअप कर सकते हैं क्या हम उनके ऊपर रूल कर सकते हैं क्या हम अपने एम्पायर को एक्सपैंड नहीं कर सकते ठीक है इस तरीके के जो है एक आइडियाज़ क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के पास थे तो उन्होंने अपने एक्सप्लोरर्स को ऑथराइज किया ताकि वो उनको बाहर भेज सकें इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवलॉग एक निकलता है बाय सर वॉल्टर रेली हु वाज अ कोर्ट पर्सन एंड एट द सेम टाइम ही वाज एन ऑथराइज ट्रैवलर बाय क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट सो क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के पीरियड में जो सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर uh, हम देखते हैं जिसका डेवलपमेंट वो है सोनेट्स का सोनेट्स को पॉपुलराइज करने वाले कौन थे इटालियन पोएट पेट्रार्क वो फिर इंग्लैंड में आया और उसको बेस्ट फॉर्म में किसने अडॉप्ट किया अवर राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर अवर राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर एडमिन स्पेंसर एंड सर फिलिप सिडनी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है तो शेक्सपियर के सोनेट्स भी अलग से हैं उसके अलावा एडमिन स्पेंसर के सोनिट सीक्वेंसेस हैं द सॉरी इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है सर फिलिप सिडनी के उसका सोनिट सिक्वेंस है एस्ट्रोफेल स्टेला उसके अलावा एडमिन स्पेंसर का देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिक पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर द फेरी क्वीन इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं नेट में क्वीन की समरी इसके अंदर के एलिगोरिकल कैरेक्टर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नेट में तो आपको उसकी अपनी तैयारी जारी रखनी है उसके अलावा शेपर्स कैलेंडर ड्रामा जो है इस पीरियड में इतना हाई लेवल पे क्रिएट हुआ दैट दिस इज द फर्स्ट पीरियड जिसमें वी हैव थिएटर्स थिएटर्स का कंस्ट्रक्शन हो गया था इस पीरियड में ड्यू इन इंग्लैंड एंड सबसे जो फेमस ड्रामेटिस्ट थे वो कौन थे विलियम शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो एंड यूनिवर्सिटी विट्स यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी आपको बता दूँ ये एक क्लास ऑफ ड्रामेटिस्ट थे प्ले राइट्स थे जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेटेड थे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज uh, एजुकेटेड थे इसलिए इनको यूनिवर्सिटी विट्स भी कहते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं उस पीरियड के इनका जो लिटरे इस 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 पीरियड का सारा ही लिटरेचर एक्चुअली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिर चाहे वो शेक्सपीरियन सोनट्स हों चाहे शेक्सपीरियन ड्रामा हो चाहे वो क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस की सामरी हो फिर चाहे वो ए कम्प्लीट डिटेल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेरी क्वीन हो ये सारे ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है नेट पर इन पर बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इनकी तैयारी भी हम उस हिसाब से ही अपनी रखेंगे अब देखिए एलिजाबेथ जो है वो 1603 में शी डाइड तो उसके बाद किंग कौन बनते हैं 1603 से 1625 तक इंग्लैंड पे रूल करने वाले जो रूलर थे उनका नाम था किंग जेम्स वो स्कॉटलैंड के थे स्कॉटलैंड में उनको कहा जाता था किंग जेम्स द 6th लेकिन जब वो इंग्लैंड के रूलर बने उनको नाम दिया गया किंग जेम्स द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड ही वॉज द फर्स्ट एवर रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड हु वॉज एट द सेम टाइम रूलिंग थ्री नेशंस ही वॉज़ रूलिंग इंग्लैंड आयरलैंड एंड स्पेन हाउ स्पेन से तो वो खुद थे और इंग्लैंड जो है उस टाइम पे वो कंप्लीटली जो जो आयरलैंड के कंट्री है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट था इंग्लैंड पे तो जो इंग्लैंड के थ्रोन को लेता था वो ऑटोमेटिकली क्राउन बन जाता था ऑफ आयरलैंड एज वेल सो so, क्योंकि जेम्स द सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड अपने भी कंट्री के प्रिंस थे उन्होंने फिर आगे इंग्लैंड uh, और आयरलैंड uh, का चार्ज भी संभाला तो ही वॉज द फर्स्ट एवर मोनार्क ऑफ इंग्लैंड हु रूल्ड इन थ्री कंट्रीज साइमल्टेनियसली इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड तो किंग जेम्स का जो पीरियड है जेम्स द फर्स्ट का 1603 टू 1625 उसको हम बोलते हैं द जैकोबियन पीरियड इस पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट इसके राइटर उस पीरियड में जो थे वो थे बेन जॉनसन बेन जॉनसन ने एक बहुत ही फेमस फॉर्म ऑफ ड्रामा क्रिएट किया था जिसको कि हम बोलते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इनके प्लेस को हम इनके ड्रामा को हम सिटी ड्रामा भी कहते हैं क्यों क्योंकि जनरली इनके जो प्लेस हैं वो सिटीज में बेस्ड थे जनरली जो इनके प्लेस की सेटिंग होती थी वो लंडन होती थी कभी भी कोर्ट कोर्ट साइड नहीं कभी भी कोर्ट uh, मतलब कंट्री साइड नहीं होती थी कभी भी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी नहीं होती थी शहर के अंदर की कहानियों पे वो लिखते थे इसलिए इनके जो ड्रामास हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बोल सकते हैं या तो द सिटी ड्रामा या फिर द यू नो प्ले ऑफ़ ह्यूमर्स द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इस पीरियड में शेक्सपियर जो है अपने डार्क फेज में आ गए थे ऑफ राइटिंग इसलिए इस पीरियड में हम शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज़ को देखते हैं प्लेज में बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे याद रखिए प्लेज में पहली बार स्टेज पे ब्लड शेड शुरू हुआ क्योंकि यहाँ के जो राइटर्स थे वो सैनिक ट्रेजिडी से बहुत इंस्पायर्ड थे ड्रामेटिस्ट जो अपने प्लेज में ओपन खून खराबा दिखाते थे इससे पहले स्टेज पे इस तरीके की हरकत हुई नहीं थी कि आपने ओपनली दिखा दिया कि किसी ने किसी को तलवार मारी उसके अंदर से खून निकल रहा है उसकी बॉडी के पार्ट्स ऑर्गन बाहर आ गए हैं इस तरीके का गोरी इमेज इससे पहले स्टेज पे नहीं किया जा रहा था तो इस पीरियड में सबसे पहले ऐसा जो प्रैक्टिस है वो थिएटर वो ड्रामा में किया गया बिल्कुल लाइक रिवेंज ट्रेजिडी सो दैट इज ऑल्सो देर एंड वेरी अनदर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फीचर ऑफ दिस पीरियड इज दैट नॉट एक्चुअली दिस बट एक्चुअली इन द कैरोलाइन पीरियड कैरोलाइन जो पीरियड है वो सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव से सिक्सटीन फोर्टी नाइन तक है उसको मैंने अलग से इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई अलग इससे कोई अलग लिटरेरी उसमें कोई फेज है नहीं लेकिन कैरोलाइन पीरियड में किंग चार्ल्स द फर्स्ट रूल कर रहे थे इंग्लैंड में ही टुक द थ्रोन फ्रॉम जेम्स द फर्स्ट इन 1625 ट्वेंटी फाइव एंड इन सिक्सटीन फोर्टी नाइन ही वॉज पब्लिकली एग्जीक्यूटेड बाई द फॉलोअर्स ऑफ ऑलि क्रॉम्बिल वो भी हम आगे करेंगे कौन थे ऑलिवर क्रॉम्बिल तो कैरोलाइन पीरियड में हम सबसे पहली जो है फीमेल प्ले देखते हैं एफ्राबेन उन्होंने बड़ा ही प्ले बड़ा ही फेमस प्ले लिखा है द तो रोवर जिसके ऊपर टाइम एंड अगेन नेट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं द रोवर के ऊपर टाइम एंड अगेन नेट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो बेन ने बेन जो है हमारे पास इंग्लिश uh, हिस्ट्री में रिकॉर्डेड फर्स्ट एवर प्रोफेशनल प्ले राइट थी जो कि लिख रही थी इन ऑर्डर टू अर्न मनी एज हर प्रोफेशन उस टाइम पे मैं आपको बता दूं उस टाइम पे लड़कियों के पास किसी भी तरीके के एजुकेशनल राइट्स पोलिटिकल राइट्स सोशल राइट्स प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते थे तो एक औरत का अपनी आइडेंटिटी को अजर्ट करते हुए अपनी लिबर्टी को अजर्ट करते हुए प्रोफेशनली लिखना एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सो यू मस्ट रिमेंबर दैट हु इज द फर्स्ट एवर ऑफिशियल प्रोफेशनल फीमेल प्ले राइट इन इंग्लिश हिस्ट्री इट इज ऐफ्राबेन उनका सबसे फेमस प्ले कौन सा है द रोवर द रोवर को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू हाँ जी उसके बाद जो पीरियड आ जाता है तो मैंने आपको बताया क्युं? कि किसी फॉर्म में हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं. हम उनके कंट्री में हम उनके राज में खुश नहीं है तो हम क्या करेंगे हम जो है किंग को ही उसकी पोस्ट से हटाकर हम एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे जिसमें कि ओपन रिप्रेजेंटेशन बाय कॉमन मैन है तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है, वो हुआ हुआ था था इंग्लैंड में में ये 11 साल का था, जो जो कि शुरू 1649 में, और चला 1660 तक इस के लिए जो है फर्स्ट को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था और कौन बने थे मिनिस्टर, रूलर उनकी उनकी गवर्नमेंट चली थी ओलिवर क्रॉमवेल की उन्होंने इंग्लिश मनारकी को ओवरथ्रो कर दिया था और बहुत ग्रेट पोलिटिकल अपहीवल है इस पीरियड में इस पीरियड की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं इस पीरियड में सबसे पहले जो है न्यूज पेपर कल्चर ओके ये शुरू हुआ था क्योंकि कंट्री में इतने तरीके की बातें की जा रही थी इतना इतना ज्यादा सॉरी I keep on while speaking, the mic goes away. तो उस टाइम कंट्री में इतना पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा था सोशली इकोनॉमी जो है आ, सोशली इकोनॉमिकली कंट्री जो है इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था कि हर आदमी जानना चाहता था कि कंट्री में चल क्या रहा है तो आदमी आदमी तक ये खबर पहुंचाने के लिए एक तो न्यूज़पेपर्स का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ और न्यूज में वो लोग फ्री के पैम्फलेट्स डाल के जाते थे तो लोग एक दूसरे के खिलाफ लिख रहे हैं एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के खिलाफ लिख रहे हैं पैम्फलेट ईयरिंग में ये सब कुछ चल रहा था ओके सो उस पोलिटिकल अपीवल का क्या रिजल्ट निकला

तो प्योरिटन्स ये कहते थे कि प्रोटेस्टर्निज्म में कुछ ज़्यादा ही ओपननेस आ रही है हमें कुछ ना कुछ तो रूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि लोग ये ना भूलें कि हम भी इवेंचुअली एक रिलीजियस सेक्ट ही हैं हम एक रिलीजियस ग्रुप ही हैं तो उन्होंने उसके लिए क्या किया उन्होंने अपने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए कि उन्होंने कहा कि स्टेज पर आप ड्रामा करा रहे हो कि किस तरीके की अनएथिकल इमोरल एक्टिविटी हो रही है लड़के को लड़की बना के खड़ा करा रहे हो स्टेज पर ओपनली आप शादियाँ करा रहे हो आप लोगों के लव सीन्स दिखा रहे हो आप वेलगैरिटी फैला रहे हो सोसाइटी में आप लोगों को करप्ट कर रहे हो तो हम जो है थिएटर्स को अटैक करके उनको बंद कर देंगे तो 1642 में स्ट्रॉन्ग प्यूरिटानिकल अटैक्स की वजह से जो है थिएटर्स को <coughs> सॉरी थिएटर्स को शट डाउन करना पड़ा था लेकिन थिएटर्स वापस फिर खुल गए थे 1660 के रेस्टोरेशन में थिएटर्स वापस खुल गए थे आई एम सो सॉरी इस पीरियड के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर्स जिनको आपको पेपर पॉइंट ऑफ़ से कवर करना ही करना है वो है जॉन राइडर एंड जॉन मिल्टन जॉन राइडन एंड जॉन मिल्टन <coughs> सॉरी जॉन राइडन एंड जॉन मिल्टन के सारे वर्क्स, की सारी बिब्लियोग्राफी सारी लिस्ट सारी समरीज आपको पता होनी चाहिए जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की सारी समरी डिटेल्ड आपको पता होनी चाहिए उनके सॉन्ट्स उनकी पोएम्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए इसके अलावा जॉन राइडन ने जो फेमस अपने सेटायर्स लिखे थे यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट देन यू मस्ट नो अबाउट मैकफ्लिक नो यू मस्ट नो अबाउट यू मस्ट राइट अबाउट ऑल द अदर पोलिटिकल सोशल वर्क हैज रिटन सो ऑल ऑफ दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ नेट एग्जाम दैट यू मस्ट कवर कॉमनवेल्थ पीरियड से तो कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद जो है कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद जो है एक बहुत हम डेढ़ साल एक डेढ़ सौ साल लंबा एक पीरियड हम देखेंगे जो इंग्लिश हिस्ट्री में आया था जिसको कि हम न्यू क्लासिकल एज बोलते हैं न्यू क्लासिकल एज इट बिगैन इन 1660 एंड इट वेंट ऑल टिल ऑलमोस्ट वी कैन से 1798 तक कह सकते हैं ये एज चली या 17 के मिड्स तक चली ओके okay, एंड में थोड़ा सा ट्रांजिशन आया था न्यू क्लासिकल को हम क्या कह सकते हैं न्यू क्लासिकल इस इरा के राइटर्स ने क्लासिकल राइटर्स बनने की कोशिश की उनको उन्होंने कैसे वो बनने उनको बनने की कोशिश की उन्होंने उनको इमिटेट किया

क्योंकि इस पीरियड में जो है मुनार्की रिस्टोर कर दी गई थी इंग्लैंड में आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल ओवर क्रॉम्बे चार्ल्स द सेकेंड फर्स्ट री टुक देंटोर्ड इन इंग्लैंड इस पीरियड के जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हैं वो है जॉन ड्राइडन इनका इन्फ्लुएंस बहुत देखा जाता है उस पीरियड के लिटरेचर पे इसलिए इस ईरा को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं ओके नेक्स्ट है उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो आता है सेवनटीन हंड्रेड से सेवनटीन फोर्टी तक का जिसको कि हम कहते हैं द ऑगस्टन एज इस ईरा के राइटर्स जो है ऑगस्टन राइटर्स को फॉलो करने की कोशिश करते थे किंग ऑगस्टस वाज़ अ ग्रेट एम्पर ऑफ द रोमन एम्पायर और उनके पीरियड में ग्रीक सॉरी लैटिन लिटरेचर काफ़ी फ्लरिश किया था तो इस ईरा के जो राइटर्स हैं वो उस टाइप के राइटर्स को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे थे इसलिए इस ईरा को ऑगस्टन ईरा कहते हैं और इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइकोन फिगर हैं वो है पोप अलेक्जेंडर पोप इसलिए इस ईरा को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है आने वाले जो साल है फ्रॉम 1745 यू कैन से टिल 1798 जिस जिस इंसान का बोलबाला रहा वो था डॉक्टर जॉनसन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्यों इंपॉर्टेंट है आप सबको पता होगा इंग्लिश की फर्स्ट डिक्शनरी इन्होंने ही क्रिएट की थी ही क्रिएटेड द फर्स्ट हिस्ट्री डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ही इज ए वेरी इंपॉर्टेंट दैट वीज उसके अलावा इन्होंने जो है इंग्लिश क्रिटिकल वर्ग्स पे भी क्रिटिकल थियरी पे भी बहुत अपने इंपॉर्टेंट इनपुट्स और कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं इसलिए ये इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके ऊपर एक पूरी ईदा का हमने नाम रखा हुआ है डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन ओके तो एज ऑफ जॉनसन में किसका बोलबाला है डॉक्टर सैम्यूअल जॉनसन का किसकी इमिटेशन की जा रही है क्लासिकल राइटर्स की क्लासिकल राइटर्स कौन कौन थे ये थे या तो लैटिन क्लासिकल राइटर्स या फिर ग्रीक क्लासिकल राइटर्स और क्या किस किस तरीके के कि स्टाइल को इमिटेट किया जा रहा था इमिटेटिव स्टाइल ऑफ पोइट्री यूज की जा रही थी टू राइट स्ट्रिक्ट रूल्स टू राइट राइट टू राइट एंड टाइट डिक्शन विद स्ट्रॉन्ग मीटर आपकी लाइन का मीटर भी बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही फिट होना चाहिए वेल फिट होना चाहिए आपकी डिक्शन जो है वो कॉमन एवरीडे लैंग्वेज की नहीं हो सकती इट हैज़ टू बी लॉफ्टी इट हैज़ टू बी ग्रैंड इट हैज़ टू बी सोफिस्टिकेटेड इट हैज टू बी पोइटिकल ओके सो लॉफ्टी यूज ऑफ डिक्शन वॉज यूज एंड पोइट्री को लिखने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स वर क्रिएटेड दैट हैड बीन टू दैट हैड टू बी एडहर विद एंड हैड यू नॉट वुड यू नॉट अड टू डेम देन योर पोएम वुड बी डिसकॉलीफाइड तो ये जो लोग थे ना ड्राइडन और पोप जैसे ये उस टाइम पे बैठ के रूल्स बनाते थे इंग्लिश पोइट्री के कि हम ऐसा लिख रहे हैं हम ऐसे इमिटेट करके लिख रहे हैं आप भी लिखो लेकिन इन, इनका इतना इन्फ्लुएंस था उस पीरियड में कि राइटर्स इनके पीछे 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 भागते थे इन ऑर्डर टू गेट देयर पोएम्स एडिटेड और इन ऑर्डर टू गेट अ फॉरवर्ड फ्रॉम देम ओके तो ये सब चलता था उस पीरियड में तो इस इस पीरियड में जो है सटायर्स बड़े फेमस हुए क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा था इंग्लैंड में रिलीज़ भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे कैथलिक्स प्रोटेस्टेंट्स के बीच में भी सब ओके नहीं था विग्स और टोरीज़ के बीच में भी सब ओके नहीं था है ना रॉयलिस्ट और ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो एक दूसरे में फ़ाइट कर रहे थे किसी भी फॉर्म में जो है इंग्लैंड में सोशियो पोलिटिकल या इकोनॉमिक एक स्टेबिलिटी तो थी नहीं तो लोग एक दूसरे को अटैक करने के लिए एक दूसरे के ऊपर सटारिकल पीसेस लिखते थे तो इस पीरियड का जो सबसे इंपॉर्टेंट uh, एस्पेक्ट है लिटरेचर का वो है, है कि इस पीरियड में जो है सटायर्स लिखे गए एंड एट द सेम टाइम आपको मैंने प्रीवियस वाली अपनी स्लाइड में बताया था कि क्योंकि इतने पोलिटिकल फाइट्स हो रहे थे तो न्यूज़ पेपर्स और पैम्फलेटियरिंग का कल्चर आया अब एक और कल्चर जो है वो वहाँ से भी डिवेलप होता है वो है द कल्चर ऑफ़ क्रॉनिकल राइटिंग द कल्चर ऑफ मैगजींस द कल्चर ऑफ़ आर्टिकल्स द कल्चर ऑफ एसेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कल्चर ऑफ नॉवल्स तो इस पीरियड में जो है इस, इसलिए हम इस पीरियड को एज ऑफ प्रोज भी कहते हैं क्योंकि लोगों का ध्यान थोड़ा पोइट्री से हटा इतने सौ सालों से पोइट्री का ही आप देखेंगे बोल पा रहा था पोइट्री वॉज द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन इंग्लैंड और देर वॉज ड्रामा लेकिन नाउ फाइनली प्रोज हैड कम कमिंग टू सीन एंड इट हैड इट एस्टैब्लिश्ड इट सेल्फ एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म इन दैट पीरियड तो एज ऑफ प्रोज जो है अगर आपसे पूछा जाए वॉट इज द एज ऑफ प्रोज विच इज द एज ऑफ सटायर विच इज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट विच इज द एज ऑफ रीजन तो दैट इज द न्यू क्लासिकल एज और अगर न्यू क्लासिकल में भी इन तीनों से पूछ लिया देन यू विल है ऑगस्टन एज अगर न्यू क्लासिकल में से भी अगर टोट मानो न्यू क्लासिकल ऑप्शन में नहीं है इन तीनों में से कोई ऑप्शन में है तो आप ऑगस्टन को करेक्ट करोगे आपके एम सी क्यू में नेट के पेपर में ओके नेक्स्ट आ जाइए तो में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन का उससे पहले ऑलरेडी सेवनटीन आई थिंक सिक्सटी फोर या सिक्सटी सिक्स में अमेरिका ने भी अपने इंडिपेंडेंस को गेन कर लिया था फ्रॉम द ब्रिटिश इंपीरियल रूल इंग्लैंड ऑलरेडी बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था क्यों क्योंकि उस पीरियड में नेपोलियन बोना ने काफ़ी तरीके से जो है पूरे यूरोप में एक ब्लडशेड का एक माहौल क्रिएट किया हुआ था एक हॉरर क्रिएट किया हुआ था uh, इसीलिए जो है इस पीरियड उस उस पीरियड को रेन ऑफ टेरर भी कहते हैं क्योंकि नेपोलियन के अंडर इतने वॉर्स हुए यूरोप में तो वो सारे पीरियड्स में uh, जो ब्रिटिश लोग हैं उनको सपोर्ट कहाँ से उनको इंस्परेशन कहाँ से मिली मोटिवेशन कहाँ से मिली कि नहीं हमें डर के नहीं रहना है हमें अपने राइट्स को जो है वो प्रूव करना है हमें अपने लिए खड़ा होकर रहना है उनको इंस्पिरेशन मिली फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन उनको इंस्पिरेशन मिली फ्रॉम द अमेरिकन रेवोल्यूशन पर्टिकुलरली फ्रेंच तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो तीन आइडियल्स थे लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रिटर्निटी ये काफी पॉपुलराइज हुए लोगों ने इसको अपनी आम जिंदगी में भी लिख यूज करना शुरू किया इन आइडियल्स को अपने प्रोफेशनल वर्क में भी इसको यूज़ करना शुरू किया अपने पोइटिक स्टाइल में भी यूज़ करना शुरू किया अब कुछ पोएट्स थे वो कहते थे कि हम क्यों लिखें रूल्स के हिसाब से हमें नहीं लिखना रूल्स के हिसाब से हमें नहीं पता कुछ भी रूल्स हमें जैसा पोइट्री लिखने का मन है हम तो वैसा लिखेंगे अपने हिसाब से हमें मत बताओ हमें इमिटेशन नहीं करनी है हमें ओरिजिनल ऑथेंटिक पोएम लिखनी है जिसमें कि हम अपने पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे ये पोएम्स जो हैं ये सुनने में हार्ड नहीं लगेंगी ये सुनने में सॉफ्ट लगेंगी इनमें एक म्यूजिकल क्वालिटी तो इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं आप जानते हैं दे आर द पोएट्स फर्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं विलियम ब्लेक उसके बाद आ जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैम्यल टेलर कोलरिज सेकेंड जनरेशन में हमारे पास आ जाते हैं पी वी शैली जॉन कीट्स एंड नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास आ जाते हैं लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन एंड ज्यादा मान्यता मिली पोलिटिकल पोएम्स भी लिखी गई अबाउट फ्रीडम एंड लिबर्टी पर्टिकुलरली बाई पी बी शैली पी बी शैली बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे बाई द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन उनकी जो सबसे फेमस पोयम है सबसे फेमस जो ओड है ओड टू में लगती नहीं है बट आप उसका डीप एनालिसिस करोगे मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है उसमें आप देखेंगे दैट इज अ पोयम अबाउट फ्रीडम एंड लिबर्टी नॉट अबाउट विंड ओके इसलिए इस ईरा को एज ऑफ ओड्स भी कहते हैं क्योंकि पर्टिकुलरली जॉन कीट्स ने भी बहुत सारी ओड्स लिखी थी इस पीरियड में जॉन कीट्स ने मास्टर किया था इन दी आर्ट ऑफ राइटिंग ओड्स इसलिए इस ईरा को एज ऑफ ओड्स भी कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स के नाम यहां मैंने मेंशन किए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं रोमांटिक ईरा के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईरा हमारे पास आती है वो है विक्टोरियन एज विक्टोरियन एज क्यों क्योंकि इस पीरियड में क्वीन विक्टोरिया क्वीन बन गई थी इंग्लैंड की इस पीरियड तक जो है इंग्लैंड ऑलमोस्ट वर्ल्ड का सुपर पावर बन गया था क्योंकि दुनिया की <coughs> आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ब्रिटिश रूल के अंडर थी उस वक्त एंड इस पीरियड में देखिए स्टीम इंजन भी आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी इंग्लैंड में आ गई है सोसाइटी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं मेडिकल साइंस इंप्रूव हुई है साइंटिफिक टेंपर इंप्रूव हुआ है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़ हो रही हैं इस तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल इंटलेक्चुअल साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं वो सारी इंग्लैंड में आ चुकी हैं और ये पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं तो उस पीरियड का जो लिटरेचर है वो भी उस हिसाब से चेंज होता है तो अगर हम पोइट्री की बात करें अब हम लिरिक्स से हट के एक अलग फॉर्म ऑफ पोइट्री पे आ जाते हैं वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स तो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स क्या है वो मैं आपको कवर कराऊँगी हमारी लिटरेरी टर्म्स uh, की क्लास में उसके अलावा जो नॉवेल्स है उस टाइप के वो नॉवेल्स जो है रियलिज्म के ऊपर बेस्ड थे रियलिज्म मतलब वो कहते थे हमने कोई इधर उधर की कहानियां नहीं लिखनी है हमने तो जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हम उनके ऊपर रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन देंगे तो राइट उस टाइम के लिटरेचर में प्रोस लिटरेचर में पर्टिकुलरली रियलिज्म का जो है काफी इंफ्लुएंस रहा नॉवेल्स जो है वो सोशल एवल्स पे लिखे जा रहे थे ड्रामा जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स पे लिखे जा रहे थे सोशल पे पर्टिकुलरली जो है चार्ल्स डिकेंस लिख रहे थे ओके सोशल प्रॉब्लम से भी उस टाइम पे बहुत से राइटर्स लिख रहे थे लाइक जी बी शॉ एंड उसके अलावा देवर नॉवेल्स ऑफ मैनरिज्म मैनरिज्म मतलब विक्टोरियन ईरा क्योंकि काफी प्रो, प्रोग्रेस कर चुका था काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस था तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है इन, इस तरीके से चेंज हुआ कि वहां पे बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट और फ्लब कपड़े पहनना हाथों में सिल्क के ग्लव्स पहनना अपने ऊपर लेस लगा के रखना अपने ऊपर रिबन्स लगा के खुद को सजाना जेंटलमैन जो है अपने साथ एक स्टिक कैरी करते थे हैट पहनते थे तो इस तरीके से जो है एक बहुत ही अलग सा कोटली कल्चर फिर से रिवाइव हो गया था इंग्लिश सोसाइटी में तो वो उस सोसाइटी की जो सच्चाई

थॉमस हार्डी और चार्ल्स टिकन्स के सारे नॉवल्स की सारी समरीज आपको पता होनी चाहिए पेपर के लिए अगर आपको सारी समरीज नहीं पता है इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आप मिस कर दोगे समरीज को लर्न मैं आपको कराऊंगी आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी बस हमने ये करना है कि उसको आपने मेरे साथ अटेंटिवली ऐसे लर्न करना है कि जब पेपर में आएगा ना आप देखते ही फटाक से उसका आंसर कर दोगे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता है इट्स जस्ट दैट वो टॉपिक्स इतने लेंदी हैं वो लर्न करते करते आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो कंफ्यूज नहीं होना है हम इस हिसाब से ही अपनी तैयारी करेंगे कि जो है आप अपनी प्रिपरेशन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकें तो इस पीरियड के एंड में जो है सोसाइटी में काफी चेंज फिर से आया तो अब अब कुछ राइटर्स ने कहा कि किस तरीके का ये रूखा सूखा तुम ड्रामा लिटरेचर नॉवल लिख रहे हो ये क्या है तुम सोशल प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम किए जा रहे हो मतलब आर्ट लिटरेचर ये तो सब एस्थेटिक प्रोडक्ट्स हैं हमारी लिविंग के ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में कलर लाती हैं ब्यूटी लाती हैं एस्थेटिक क्वालिटी लाती हैं सो तो कुछ राइटर्स थे टूवर्ड्स तो द एंड ऑफ द विक्टोरियन विक्टोरियनराज जिन्होंने कहा कि नहीं हम तो जो हमारे वर्क्स हैं उनमें एस्थेटिसिज्म को प्रमोट करेंगे तो

विक्टोरियन ईरा खत्म होने के बाद दुनिया को पता नहीं था उसमें कितना बड़ा चेंज आ जाएगा हुआ ये कि सिगमेंट फ्रॉइड ने 1900 में जो है अपनी थियोरी ऑफ फ्रेगमेंटेड माइंड कि ब्रेन के एक नहीं ब्रेन के दो पार्ट्स हैं बाद में उन्होंने दो को चेंज करके तीन बता दिया तो उन्होंने कहा हमारी कॉन्शियसनेस ब्रोकन है हम एक इंसान नहीं है हमारे अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस रन करती हैं तो उन्होंने अपना साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म दे दिया था वो पढ़ने के बाद दुनिया शॉक में आ गई थी कि हम अभी तक अपने आप को जो समझ रहे थे हम वो है ही नहीं हमारी दुनिया वैसी नहीं है उसके बाद जो नेक्स्ट शॉक इस दुनिया में आया वो था वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 18 तक जो ये वॉर लड़ा गया उससे इतने लोगों की जान गई इतने लोग जो हैं डिप्रेशन में आ गए दे वर शेल शॉक दे वर क्लिनिकली डिप्रेस्ड, दे बिकेम सुसाइडल कि जो लोगों के अंदर है एक सेंस ऑफ लॉस आया एक सेंस ऑफ लोनलीनेस आया जिसकी वजह से उनका जो कॉन्शियसनेस है इट बिकेम मोर एंड मोर फ्रेगमेंटेड इट बिकेम मोर एंड मोर टॉर्चर्ड उस वजह से उस, उसका जो इन्फ्लुएंस है ना वो उस उस ईरा के लिटरेचर पे भी हम देख सकते हैं तो अगर उस उस पीरियड में लोगों की कॉन्शियसनेस जो थी वो ब्रोकन थी

अगर uh, हम नॉवेलिस्ट की बात करें तो राइटर्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ इन फ्रांस का आपका दे दी सेंस ऑफ दिस ब्रोकन सेल्फ

दूर जा रहे हैं आपके आइडियाज लिबरलाइज हो रहे हैं ओपन हो रहे हैं आप इंडिविजुअलिस्टिक बन रहे हैं तो जो जैसे कहते हैं ना जो डिफरेंस पुराने ख्याल और नए ख्याल नवे तो विक्टोरियन नीरा में जो है आइडियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रेन थी कंस्ट्रिक्टेड थी बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड थी मॉडर्न ईरा तक आते आते जो है एक लिबरलाइजेशन आया थाट प्रोसेस में लोगों की लोग इंडिविजुअलिस्टिक बने लोगों ने कहा कि अगर वॉर्स ही होने हैं हमने मरना ही है तो ये सब मोरालिटी एथिक्स ये सब सोच के क्या करना यार अपनी जिंदगी को जियो और काम ख़त्म करो तो वो वाला एक एस्पेक्ट आया अभी लोग इस पीरियड से उभरे ही नहीं थे कि नेक्स्ट वर्ल्ड आ गया नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर आया 1939 में 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आ गया था वर्ल्ड में तो दुनिया बद बत से बदतर बनती जा रही थी एवरीथिंग वाज टर्निंग फ्रॉम वर्स्ट टू वर्स्ट सो यू नो हर तरीके से जो है सोसाइटी में डिसअसेंबलिंग हो गई थी सोसाइटी ब्रेक डाउन कर गई थी सोसाइटी ही क्रैश डाउन कर गई थी ओके सोसाइटी क्रैश डाउन कर गई कल्चर क्रैश डाउन कर गया इंडिविजुअल जो है उसने फेथ uh, लूज कर दिया था अपने ऊपर से भगवान से रिलीजन से पोलिटिकल पार्टी से मॉडर्निज्म में ना मॉडर्निज्म में ना स्ट्रक्चलिज्म था सॉरी मॉडर्निज्म में स्ट्रक्चरलिज्म था लोगों ने कहा कि अरे बाहर तो वॉर्स हो रहे हैं हमारा अंदर से भी हम अंदर से भी टूट गए हैं तो क्यों ना हम चीज़ों को जो है नैरो डाउन करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को डब्बों में पुट करते हैं चीज़ों को स्ट्रक्चरलाइज कर देते हैं सो दैट वी कैन मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड तो स्ट्रक्चरलिज्म का एक जो है फिज मूवमेंट शुरू हुआ लेकिन क्योंकि उसके बाद भी चीज़ें ख़राब होती गई तो लोगों ने बोला छोड़ो यार क्या डब्बे वब्बे क्या बनाना है क्या दुनिया को स्ट्रक्चर में डालना है कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है किस भगवान को प्रे कर रहे हो कोई भगवान ही नहीं है भगवान होते तो पचास सालों में ऐसे दो इतने बड़े ग्रूसम वॉर्स हो जाते ये क्रैश इकोनॉमिक क्रैश आ जाता ठीक है लोगों ने बोला कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल लीडर्स को चूज करते हैं ताकि वो हमें और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकें और ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग वॉर्स कर रहे हैं ये लोग एटम बॉम्ब्स ड्रॉप कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज पे ये लोग इस तरीके से इतने uh, मासूम लोगों को मार रहे हैं तो लोगों ने हर तरीके से उन उस हर इंस्टीट्यूशन पे से अपना जो फेथ है वो लूज कर दिया था जो यू uh, नो you know, वो uh, जि, जिन पे वो पहले बिलीव करते थे तो इस पीरियड में डिससेम्बलिंग हो जाती है कंप्लीटली लोग जो हैं एक गॉडलेस यूनिवर्स में रह रहे थे इसलिए इस पीरियड में स्ट्रक्चरलिज्म की बजाय पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है और क्योंकि सोसाइटी में ब्रेकडाउन है इसलिए

बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी क्लास रोज इसी टाइम पे हम जो है इस टॉपिक को डिस्कस किया करेंगे और इस इस तरीके से हम नेट की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे एंड हम ना कि सिर्फ जून के इस पेपर के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगी बट एट द सेम टाइम हम डिसंबर अटेम्प्ट को भी एम करके टारगेट करके चल रहे हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबडी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन विद मी टूडे आई विल सी यू टू आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम सेम प्लेस टिल देन स्टे स्टेट बाय